हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शीला रावतगी। आज हिंदी व्याकरण की क्लास स्टैंडर्ड 6 के लिए है और व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे वचन के बारे में। वचन शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। एक व्यक्ति, एक वस्तु जिससे पता चलता है कि यह एक है या अनेक है, वचन है। वचन के दो रूप हैं, दो माने गए हैं हिंदी में वचन, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है, बहुवचन में एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। एक वचन में एक से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध है, जैसे नारी, नदी, पुस्तक। और बहुवचन में एक से अधिक वस्तुओं का प्रयोग होता है, व्यक्तियों का प्रयोग बोध होता है, वो होता है बहुवचन, जैसे नारियां, पुस्तकें, नदियां। तो वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद माने जाते हैं हिंदी में, दो भेद माने जाते हैं संस्कृत में, तीन वचन के भेद होते हैं, जैसे एक वचन, दो वचन, बहुवचन। लेकिन हिंदी में दो वचन माने जाते हैं, दो रूप माने जाते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में एक व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, जैसे लड़का, बेटा। बहुवचन में अनेक वस्तु या व्यक्तियों का बोध होता है, जैसे लड़के, बेटे, पुस्तकें। कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ अन्य बातें हैं जो वचन को जानने के लिए ज़रूरी हैं। यदि हम सम्मान या आदर प्रकट करते हैं तो हम उस एक व्यक्ति के होने पर भी हम बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं। सम्मान या आदर प्रकट जब किसी के प्रति किया जाता है तो वो व्यक्ति एक हो तब भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी एक व्यक्ति हैं पर उन्हें हम सम्मान दे रहे हैं, उनके प्रति आदर प्रकट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? इसका प्रयोग हम बहुवचन में कर रहे हैं, महात्मा गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे। तो ये बहुवचन का ही इसमें प्रयोग होता है। कुछ जैसे दूसरा वाक्य अगर हम ले लें, श्री रामचंद्र जी वीर थे, रामचंद्र एक व्यक्ति हैं पर उनको सम्मान दे रहे हैं, तो बहुवचन का ही प्रयोग होता है कि रामचंद्र जी वीर थे। कुछ शब्दों का प्रयोग बहुवचन में ही होता है। वचन जानने के लिए सब बातें जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग बहुवचन में ही होता है, जैसे आपके हस्ताक्षर बहुत सुंदर है। हस्ताक्षर तो एक ही है लेकिन सुंदर है, ये बहुवचन का प्रयोग है इस शब्द के लिए। मेरे प्राण बच गए, प्राण एक व्यक्ति के अंदर है लेकिन बच गए, ये भी बहुवचन का प्रयोग है। उसके होश उड़ गए, ये सब जो शब्द हैं इनके लिए बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, होते वो बहुवचन का रूप दिखाई देंगे लेकिन उनका प्रयोग केवल एक वचन में होता है, जैसे जनता, भीड़, सभा। जनता आ रही है, जनता तो बहुत सारे लोग उसमें सम्मिलित हैं लेकिन हम उसके लिए हमेशा एक वचन का ही प्रयोग करते हैं, जनता आ रही है। भारी वर्षा हो रही है, वर्षा भी बहुत होती है, बहुत सारी बूंदें उसकी हैं लेकिन वर्षा का प्रयोग भी एक वचन में किया जाता है। फिर सभा, आज की सभा स्थगित की जाती है, आज की सभा शुरू हो रही है। तो ये सब कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग केवल एक वचन में ही हम प्रयोग करते हैं। तो हमने जाना वचन एक या एक से अधिक वस्तुओं का प्रयोग का बोध कराता है, उसके दो भेद हैं एक वचन बहुवचन, और सम्मान आदर प्रकट करने के लिए हम जो है वो एक व्यक्ति होने पर भी बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग केवल एक वचन में होता है, जैसे जनता, भीड़, सभा आदि।
और कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग केवल बहुवचन में किया जाता है, जैसे हस्ताक्षर, प्राण, होश, इस तरह के शब्द। अब वचन बदलने के लिए एक वचन से बहुवचन बनाना है, बहुवचन से एक वचन बनाना है, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उसके लिए कुछ नियम दिए गए हैं। तो नियम है हमारे वचन बदलने के, कुछ नियम है। यदि शब्द पुल्लिंग है और अंत में आ आता है, आ दीर्घा, यदि शब्द पुल्लिंग है और अंत में आ आता है तो बहुवचन में ए हो जाता है, बहुवचन में ए हो जाता है। जैसे लड़का, लड़के, कमरा, कमरे, बेटा, आ रहा है पीछे बेटे, तो ये आ का ए हो जाता है। इसका दूसरा नियम है कि अकारांत स्त्री स्त्रीलिंग शब्दों में यदि शब्द के अंत में अ आता है, अ ह्रस्व, तो शब्द में हमारा ए हो जाता है। जैसे बात, बातें, झील, झीले, भैंस, भैंसे। तीसरा नियम जो है वो है इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या जोड़ देते हैं। इकारांत जो होती है, ई जिसमें है पीछे ह्रस्वी, जैसे नीति, नीतियाँ, जाति, जातियाँ, लिपि, लिपियाँ। और इकारांत शब्द जो होते हैं स्त्रीलिंग शब्द में, उनको ईयां कर दिया जाता है, जैसे लड़की, लड़कियाँ, खिड़की, खिड़कियाँ, टोपी, टोपियाँ आदि। या अंत वाले शब्द जो होते हैं उन शब्दों के अंत में अनुनासिक कर दिया जाता है। अनुनासिक आप जानते हैं, ये होता है अनुनासिक, यानी चंद्रबिंदु, जिसे हम कहते हैं ये अनुनासिक कर दिया जाता है। इसमें जैसे गुड़िया, 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 पुड़िया, पुड़िया, या है अंत में, तो क्या हो गया, या हो गया। अगर हम ए जोड़ते हैं तो लताएं, बेले, बेल का बेल हो जाए, बेले हो जाएगा, लता का लताएं हो जाएगा, कथा, कथाएं, कन्या, कन्याएं हो जाएगा। ओ जोड़ते हैं तो हम घरों, घोड़ों, गुरुओं, घर, घरों, घोड़ों, घोड़ा, घोड़ों, गुरु, गुरुओं, तो ओ हो जाता है। तो इसके नियम कितने हो गए अपने पढ़े नियम? पहला, अंत में अगर आ होता है तो ए हो जाता है, अगर स्त्रीलिंग में आ होता है तो अं ए हो जाता है, जैसे बातें, बात, बातें, झील, झीले, इकारांत ई में या हो जाता है, नीति, नीतियां, इकारांत स्त्रीलिंग में या हो जाता है ई का, तो ये सखियां, टोपियां। या अंत वाले शब्दों में अनुनासिक लग जाता है, पुड़िया, पुड़िया, गुड़िया, गुड़िया। ए जोड़ते हैं तो कथा, कथाएं, लता, लताएं हो जाता है, ओ जोड़ने पर घर, घरों, गुरु, गुरुओं हो जाता है। तो ये कुछ नियम थे जिससे हम बदल सकते हैं एक वचन से बहुवचन। जैसे कि कविता एक वचन है, इसको बहुवचन में बदलना है तो कविताएं आ है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग आ है ये, तो शब्द क्या हो जाएगा, ए, आ का ए हो जाता है। हमने नियम पढ़ा है ना पहले, यहाँ पर आ में ए हो जाता है, तो ये एक कविता है। पत्नी ई करान का क्या हो जाएगा, ईयां, यहाँ पढ़ा हमने पत्नियां। ठेला स्त्रीलिंग, अकारांत स्त्रीलिंग में आ में क्या हो जाएगा, आ में हमने पढ़ा था ए हो जाएगा, तो क्या, ठेला, ठेले। और सूचना, सूचनाएं ए जोड़ते हैं हम, तो जैसे लता, लताएं बोला था, ऐसे सूचना, सूचनाएं हो जाएगा। तो समझ में आ गई ये। तो बताइए टोपियां क्या शब्द, एक वचन है या बहुवचन? टोपियां हुआ बहुवचन शब्द, गुरुओं बहुवचन शब्द। तो दर्शन शब्द भी एक ऐसा शब्द है जो बहुवचन ही रहता है हमेशा। आज मंदिर में दर्शन हो गए, दर्शन शब्द भी बहुवचन में ही आता। कुछ वाक्य अगर हम बोलते हैं, जैसे अनेकों लोग वहाँ जाते हैं, अनेकों लोग वहाँ जाते हैं,
क्या ये वाक्य सही है? नहीं। अनेक लोग वहाँ जाते हैं, ये वाक्य होगा सही, अनेकों नहीं। अभी तो 9 बजा है, अभी तो 9 बजा है, ये भी गलत वाक्य है। क्या होगा? अभी तो 9 बजे हैं। एक वचन से बहुवचन में अगर हम बनाते हैं तो जैसे हमने कहा आँख, आँखें, आँख का क्या हो जाएगा? अ में अ है तो ए हो जाएगा, तो आँखें और फिर आँखों। उसने आँख में देखा या डॉक्टर ने आँखों को देखा, उसकी आँख लग गई। आँख, आँखें, आँखों। सड़क, सड़के, सड़कों। कन्या, कन्याएं, कन्याओं। पाठशाला, पाठशालाएं, पाठशालाओं। दवाई, दवाइयां, दवाओं। तो ये बहुवचन दवाइयां और दवाओं, एक वचन में दवाई तो दवाइयां, दवाइयों के पैकेट आ गए या दवाइयों के कार्टून आ गए। कन्याओं को भोजन कराओ, एक कन्या जा रही है। तो ये हमने पढ़ा वचन। तो इससे प्रश्न जो है वो आप लोगों को लिखने हैं कि प्रश्न उत्तर, आज हम प्रश्न दे रहे हैं आपको, इस इन प्रश्नों के उत्तर आपको खुद से लिखने हैं कॉपी में, और ये पूछे जाएंगे जब आपका स्कूल खुलेगा। तो ये होमवर्क हम चेक करेंगे, देखेंगे कि आपने क्या बनाया। तो प्रश्न हुआ आज के पाठ से वचन, इसे वचन से क्या तात्पर्य है उसके भेदों सहित बताएं। वचन से तात्पर्य क्या है? शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं, और भेदों सहित बताएं। भेद कितने हो गए? एक वचन, 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन की परिभाषा आप लिख सकते हैं, व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है जो शब्द, एक वचन हो जाता है। उदाहरण में नारी, पुस्तक, नदी। बहुवचन में जो शब्द अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराता है बहुवचन होता है, और नारियां, पुस्तकें, नदियां। ये उदाहरण हो गया आपका, ये पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के वचन बहुवचन वाक्यों में प्रयोग करो। पुस्तक, अब ये पुस्तक है आपका, क्या है ये? तो एक वचन है, इसको बहुवचन बनाकर आप वाक्य प्रयोग करोगे, ठीक है? जैसे लाइब्रेरी में पुस्तकें रखी हैं। आंखें, डिब्बा, अब एक हमने बता दिया, बाकी आपको अपने बहुवचन बनाकर और इसको प्रयोग करना है वाक्यों में। ये है कुछ शब्द ऐसे जो रेखांकित शब्द हैं, इन शब्दों को वाक्यों में रेखांकित शब्द हैं, इनके वचन बताते हैं ये क्या है, एक वचन है या बहुवचन है। पहला है, रोगी के प्राण निकल गए, ये रेखांकित शब्द है, इसमें प्राण, तो प्राण निकल गए आपको पढ़ाया था, उसके होश उड़ गए, मेरे प्राण बच गए, ये कौन सा हो जाएगा? बहुवचन। बालक सो रहा है, अब आपको एक बता दिया, दूसरा अपने से बनाना है। बालक रेखांकित शब्द है, इसका वचन बताना है, एक वचन है या बहुवचन। फिर है, कन्याएं भोजन कर रही है, कन्याएं बहुवचन है या एक वचन, इसका बताना है। और घोड़े दौड़ रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं, रेखांकित शब्द क्या है? घोड़े, तो आपको बताना है एक वचन है या बहुवचन। तो आज का पाठ हमने पढ़ा वचन, और इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें भी आपने पढ़ा था लिंग। ये सभी प्रश्न उत्तर कॉपी में बनाइएगा और अपना होमवर्क आप कंप्लीट करते रहिए, स्कूल खुलने पर सभी का चेक होगा और आपको इसके आधार पर एक दिन टेस्ट होगा और मार्क्स भी मिलेंगे।